कैसी है? अच्छी है। यार मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या करूँ, घर में बोर हो रही हूँ एकदम से। इससे बाहर गए ना? तभी आए? अभी देखो 8-10 दिन के लिए बोले ऑफिस में, काम से बाहर गए हैं और ऐसे ही पक रहे हो घर में। तो क्या कर रही है? कुछ नहीं, मैं भी करते हो तो आ जाना, मुझे कंपनी मिल जाएगी। ठीक है, देखती हूँ। और सब ठीक ठाक है? हाँ सब बढ़िया। खाना हो गया? हाँ जल्द सब्जी हुआ। और तुम्हारा हो गया? हाँ हुआ। अभी अकेले क्या खाना है, लोग ऐसे पक रही, आ जाती थी तो मेरा भी टाइम पास हो जाना। देखती हूँ भी हो गया। ठीक है, आना चल रहा है। फोन कोई आया नहीं। कौन है? आ जाइए, खुला है। चल बाय, मैं फोन रखती हूँ। भाभी जी नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते बेटी। और कैसी है भाभी जी? अच्छी हूँ। कहाँ भैया? बढ़िया। भैया कहाँ गए? ऑफिस के काम से थोड़ा बाहर गए हैं। इतनी जल्दी सुबह सुबह निकल गए? जल्दी जाना था ना, अर्जेंट फोन आया था। अच्छा 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 अच्छा। तो कितने दिन के लिए गए हैं? वो एक हफ्ते के लिए गए। एक हफ्ते के लिए गए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप घर में अकेली बोर नहीं हो गई? अभी हो रही हूँ बोर, तो अभी क्या करें। मुझे फोन कर लिया करिए। देखिए पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा, बताइए, है ना। हम लोग कितने साल से आपके बाजू में रह रहे हैं, है ना, लेकिन कभी आपने मुझे फोन नहीं किया कि आप आ जाइए, मैं बोर हो रही हूँ। और आज आप बता रही हैं कि आप बोर होती हैं। अकेले घर में रहेंगी, कोई भी तो बोर नहीं हुई। हाँ ये बात तो है। एक बात बताओ भाभी जी, आपको मतलब हमने बड़ा जैसे ना बड़ा खुशी से बुलाया है। थैंक यू। बहुत खूबसूरत लग रही है। और नाश्ता वगैरह हो गया आपका? लंच वगैरह कुछ हुआ? हाँ। क्या बनाया था आज आपने? अभी अकेली हूँ तो क्या बनाऊँ, ऐसे कुछ भी। फिर भी आप अच्छा वेज खाती है कि नॉन वेज खाती है? हम लोग सब खाते हैं। सब खा लेते हैं? अच्छा 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 अच्छा। घर आपने बड़ा खूबसूरत सजा रखा है। अभी दिन भर घर में रहती हूँ तो क्या करूँ, टाइम पास के लिए घर में लग जाती हूँ अपना। लेकिन एक बात बताऊँ, जितना खूबसूरत आपका घर है ना, उससे 10 गुना ज्यादा खूबसूरत आप है। थैंक यू। आपको तो मन करता है बिल्कुल देखता ही रहे आदमी। कभी हमारे घर आ गया करिए? घर से टाइम ही नहीं मिलता है, घर के काम काज से। अभी तो साहब बाहर चले गए ना, तो आ गया करिए कभी कभी, हमसे मिल गया करिए आके। भाई घर पे इतना काम रहता है कि मैं बाहर निकलने मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। अब देखिए ना, सुनीता है ना मेरी वाइफ, उसको भी क्या है अपनी सहेलियों के साथ अभी कहा गई, माउंट आबू चली गई है भजन कीर्तन करने। अच्छा हाँ, अब दोनों इस उम्र में कोई भजन कीर्तन करता भाई? 60 साल की हो जाओ, तुम जाओ भगवान के घर में, मंदिरों में जाओ, कीर्तन में जाओ, सत्संग में जाओ। अरे अभी उम्र क्या है, 40 साल की अभी उम्र है खाली, मेरी 42 साल की, उसकी 40 साल की, तो अभी तो उम्र है रोमांस करने की, प्यार करने की। मुझे अकेला छोड़ के समझिए, आज 15 दिन से गई हुई है। मतलब मैं असल बता रहा हूँ जी, बहुत ज्यादा मतलब इतना परेशान रहता हूँ ना मैं, मन ही नहीं करता मेरा घर मुझे काटने को दौड़ता है। अकेलापन तो किसी को भी काटने को दौड़ता है। मतलब मैंने कई बार समझाने की कोशिश की कि देखो सुनीता, हम दोनों एक अच्छे पति पत्नी हैं, इतना टाइम काट लिया मेरी शादी को, 10 साल हो गए हमारी शादी को, पता आपको? मैंने कहा 15 साल हम लोग और इंजॉय करते हैं, सिल्वर जुबली होगी ना तो मैं ताज होटल बुक कराया उसके लिए। बोला ताज होटल? बोली 15 साल पहले बुक कर दिया। मैंने कहा 15 साल पहले पता नहीं क्या हो, मैंने उसको पहले ही उसके नाम का पूरा पैसा डाल दिया कि ताज होटल में शानदार पार्टी करेंगे, आप आएंगी ना? जरूर आएंगे। अभी आप हंसेंगी कि 15 साल पहले इन्विटेशन दे रहे हैं मुझे। नहीं आप बोल रहे हो, हम याद रखेंगे। लेकिन वो मेरा साथ नहीं दे रही बिल्कुल भी। अभी देखिए ना, कीर्तन में चली गई है, वहां से आएंगी तो एक अमृतसर के पास जगह पड़ती व्यास, वहां जा रही है 10 दिन के लिए, फिर वहां से आएंगी तो वृंदावन जा रही है। मतलब आती करें और कब चली जाती है मुझे पता नहीं चलता। तो आप बताइए, मैं मतलब दिन भर काम करता हूँ, ऑफिस रहता हूँ, अब शाम को आऊँ और मेरे घर में कोई एक गिलास पानी पिलाने वाला भी नहीं होता। आप सोचिए मैं कितना मतलब कितना अकेला समझता हूँ अपने आपको। सच अगर आप जैसा कोई मेरे पास भी होता ना तो मेरी जिंदगी स्वर्ग हो जाती। ये बात कहूं बुरा तो नहीं मानेंगे ना? क्या आप मेरा साथ दे सकती हैं? आपको ऐसे बोलते हुए शर्म नहीं आती?
मेरी बात तो सुनो एक पहले मेरी बात तो सुनो जी, मेरी बात मैं आपसे कुछ नहीं आपको कह रहा, आप सिर्फ जैसे मेरी भाभी है। देखिए मैंने आपको क्या बताया, अब जैसे आपके हाथ भी कितने खूबसूरत है, पहले पूरी बात सुनिए, आप अभी अभी घबरा जाएंगी, अभी तुमने आपके लिए लोगों ने क्या क्या सोचा हुआ है, बहुत कुछ सोचा मैंने आपके लिए। देखिए मेरे पास दो फ्लैट है, एक वर्सोवा बीच पे है, एक जुहू बीच पे है, किराए पे चढ़ा रखा है मैंने, भाड़ा कितना मिलता है 1,00,000 रुपया, आप वो फ्लैट आप ले लीजिए, पूरी बात सुन लीजिएगा, गुस्सा ना होइएगा, देखिए सच में अगर समय पहले मेरी बात सुन लीजिएगा पूरी, फिर जो आपका कहूंगा आप अगर मंजूर होगी मेरी बात, अगर मंजूर होगी तो मान लीजिएगा, पहले मेरी बात सुनिए, नहीं मंजूर होगी तो मना कर दीजिएगा, मैं कोई जबरदस्ती भी आपसे कुछ कहूंगा, मेरी पहले बात सुन लीजिए। देखिए इतनी खूबसूरत इतनी अच्छा, देखिए अच्छा नॉर्मल बात कर, मैं छूंगा, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने आदमी को डाइवोर्स मत दीजिए, बिल्कुल मत दीजिएगा, लेकिन कभी कभी मतलब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा आपको शर्म नहीं आती हाँ? मेरी बात तो सुनिए, किसी से इस तरह से बात करती हूँ आपको शर्म नहीं आती, मेरी हाँ? बात तो सुनिए, आपके बच्चे हैं और आप इस तरह से बात हमसे करते हैं, अभी आपकी वाइफ सुनेंगी तो तुरंत डिवोर्स हो जाएगा आप लोग का, इस तरह से बात किसी से करते हैं क्या? मैं आपको कितना रिस्पेक्ट देती हूँ, इतने साल मेरे पड़ोस में रहते हो, लेकिन आपसे ऐसी उम्मीद नहीं आप इस तरह से इस निगाह से नहीं देखते हैं, आप बहुत सोच रही हैं, गलत समझ रही हूँ, आप गलत सोच रहे हो, मैं गलत नहीं समझ रही हूँ, मैं आप मुझे देखिए जितना मेरे पति कमाते हैं उतना मैं खुश हूँ, मुझे आपका फ्लैट और आपके पैसे का मुझे कोई ये नहीं है, मुझे आप लालच भी आए हो, नहीं करने का मतलब क्या है, चार मेरे पास कारें हैं, बात समझिए, किस काम आ रही है, कोई है नहीं चलने के लिए, एक कार मैं आपको BMW आपको दे देता, मेरे पास जो है ना उसी मैं खुश हूँ मिस्टर, आप पड़ोस में इसलिए आपकी इज्जत कर रही हूँ, इतने मार्कों में क्या हल करती थी आप सोच भी नहीं सकते, आप बुरा मानो, बुरा मानने लगे आप, बात बोल रहे हो ऐसी बात बोलते हो, आपने एक बार भी नहीं सोचा कि हम कितने अच्छे आपकी वाइफ की फ्रेंड है और हमारी कितनी अच्छी फ्रेंड है, अभी एक बार भी बोल दूं आपकी हरकत ऐसा तो तुरंत आप दोनों में तलाक हो जाएगा, उनको मत बोलिएगा, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, उनको कुछ मत बोलिएगा, देखिए वो मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन क्या है ना वो प्यार करती है उसका ये नतीजा नहीं है, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, वो भजन कीर्तन और साथ में ना अभी क्या प्यार है आपको, अगर वाइफ के साथ तो जाने का ना दोनों दिन साथ में, देखिए मेरी सोच और उनकी सोच में बड़ा फर्क है, फर्क है तो अभी समझ के रहना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि अगर वाइफ का सोच कुछ और हस्बैंड की तरह हो जाए, मैं आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करिए, मैं क्या चाहता हूँ, क्या समझाना चाह रहे हो आप मुझे, देखिए क्या समझाना चाह रहे हो, मैं आपकी हरकतें समझ गई, आप मुझे क्या समझाना चाह रहे हो, देखिए अगर आपको मेरी बात बोली, आपकी एक भी बात सुनना पसंद नहीं करूंगा, अच्छा सुनिए मैं चाहता था कि हम दोनों सर नहीं आती आपकी इस तरह से हरकत करते हुए, मेरी बात तो सुनिए, मैं बहुत अकेला हूँ, उठिए आप और अभी कभी जाइए, मैं कभी मैं शोर मचाऊंगी दुनिया के सामने लाऊंगी आपकी हकीकत, आप तो बहुत नाराज होती जा रही हो, तो आपको मतलब आपके लिए क्या क्या सोचा था मैंने, नाराज होती जा रही मतलब ये हरकतें आप करो तो एक क्या करोगे इसमें, आप तो मार्ग मानी जैसे काम करो और आप नाराज होने की बात कर रहे हो, अरे अरे आप तो बिल्कुल भड़क गए हो भाई, भाई ठीक है भाई, अच्छा सुनिए ये बात किसी को कहिएगा, किसी को कहो भी नहीं, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप उठ के यहाँ से जाइए, अच्छा और आइंदा मेरे घर के सामने दिखना मत, अच्छा आज के बाद मैं आपको दूसरी नजर देखूंगा, बहन की नजर देखूंगा, सुनिए मैं आपको पड़ोसी की नजर देखूंगा, आज के बाद आप मेरी छोटी बहन है, बस विश्वास रखिए आज के बाद मैं कान पकड़ता हूँ, देखिए ये बात किसी को मत कहिएगा, नहीं कहूंगी ना, देखिए इधर देखिए मैं कान पकड़ लेता हूँ, आज के बाद मैं आपको छोटी बहन की तरह प्यार दूंगा, ठीक है, आप सिरे बैठिए और अपना रास्ता देखिए, मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, अलग अलग रिश्ता बनाने की कोशिश मत करिए, चलिए आप अगर मतलब मैंने बोला आप जाइए और उठिए यहाँ से, अच्छा 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 जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ चले आते हैं, मुंह उठा के काम धंधा रहता है, कुछ भी करने आ जाएंगे टाइम पास, ठीक है।